पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी के 14 ब्लॉक में सुबह 8 बजे से दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के तहत मतदान जारी है। इस बार चुनाव आयोग ने सुबह 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का मतदान का समय निर्धारित किया है, जबकि शाम 4:30 बजे के बाद जो वोटर कोरोना पॉजिटिव है वो आकर मतदान कर सकते हैं। हर बूथ पर सिर्फ 1000 लोगों को ही मतदान करने की अनुमति दी गई है। पिछली बार हर बूथ पर 1200 से लेकर 1500 तक लोगों को मताधिकार करने की अनुमति थी, पर कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये नियम रखा है। इस बार पोलिंग बूथ भी काफी संख्या में बढ़ाई गई है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों में जोश देखने को मिल रहा है। कल्याणपुरी वार्ड और त्रिलोकपुरी वार्ड के मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दिव्यांग मतदाताओं का कहना है कि मतदान हर नागरिक का अधिकार है, इस अधिकार के तहत वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। दिव्यांग मतदाताओं ने लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले। वही बुजुर्ग मतदाताओं का कहना है कि वो अपने मतों का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो जनता के बीच सेवा कर रहे हैं। और कहते हैं कि भाई रोहित बरोले आएगा तो अब की बार हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये कहेंगे वो कहेंगे, जनता में बहुत ज्यादा विरोध है आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। अभी जो यहाँ की स्थिति है, अभी माहौल बिल्कुल एक तरफा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही है, सब लोग खुश हैं, एक तरफा माहौल चल रहा है, क्योंकि मुद्दा साफ सफाई को लेके है कि नालियाँ कैसे साफ हो सके, सड़कें कैसे साफ हो सके, कूड़ा टाइम पे कैसे उठ सके। लोगों का जो रुझान होता है वोटिंग करने की तरफ कम होता है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट दिख रही है। वार्ड नंबर 2 के अंदर त्रिलोकपुरी विधानसभा में जहाँ हमारे चुनाव हो रहा है वहाँ पर लोग बड़े उत्साहित होकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और सभी ने मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को ही जिताना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।